अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ के कोर्ट में धमाका हुआ है, कई वकील घायल हुए हैं। जिला सत्र अदालत में वकील पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। दो वकीलों के बीच चल रही आपसी रंजिश की वजह से ये हमला किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 जिंदा बम को डिफ्यूज किया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक ये विवाद कचहरी में होने वाले चुनाव के कारण हुआ था। वकील संजीव लोधी थे हमलावरों के निशाने पर। हमले में उनके अलावा कई अन्य वकील घायल हुए जो उस वक्त कचहरी में मौजूद थे। बता दें कि संजीव लोधी को मामूली चोट आई है। उन्होंने कहा, मैं बार बार बचा हूं, एक बम फटा है, 3 जिंदा बम मिले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकियां मिल रही थी। हमले के बाद वकीलों ने प्रदर्शन कर उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग जख्मी हुए हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। सवाल यहां सुरक्षा का है, वकीलों की सुरक्षा का, सुरक्षा जांच को लेकर है, क्योंकि कोर्ट कैंपस के अंदर कड़ी सुरक्षा होती है। कैंपस के अंदर स्कैनर लगे होते हैं, तो इतनी कड़ी सुरक्षा के होते हुए कैसे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। संजीव लोधी ने सुधीर यादव, अनु यादव समेत कई अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि एक शिकायत को लेकर दो वकीलों के समूह में विवाद था, जिसके कारण ये बवाल हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि विवाद कचहरी में होने वाले चुनाव के कारण हुआ। यहाँ बम चलने के अलावा गोलीबारी भी हुई। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और विस्तृत जानकारी के लिए गूगल पर विजिट करें फर्स्ट बाइट इंडिया।